ये एक साइड कंपनी की बैटरी है 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की। तो दोस्तों मैंने ये इसलिए लाया, सोलो चार्ज कंट्रोल पे चार्ज करूँगा मैं इसके लिए, ये सोलो चार्ज कंट्रोल भी लाया। ये बैटरी एक साइड की बैटरी मुझे ये 1400 रुपये में मिली, और एक्सचेंज में अगर होती बैटरी तो और भी इसके 200 रुपये कम होते थे, तो मेरे पास एक्सचेंज के लिए बैटरी नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट ये 100 रुपये चार्ज करने के लिए बैटरी लाया। ये 1400 रुपये में बैटरी मिली मुझे। और ये एलईडी दोस्तों, ये सोलर पैनल पे यूज़ करने के लिए मैंने ये बैटरी लाया। ये हालांकि मुझे पता है ये बैटरी सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए यूज़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोलर चार्ज कंट्रोल को एक वास्ते क्यों लाया इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए इसका ये माइनस पॉइंट है, ये और ये पॉइंट उसका प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। इसके साथ में इसके ये दो स्क्रू भी दिए उसके वायर फिट करने के लिए। और ये जो एलईडी दोस्तों, ये एलईडी सिर्फ 4 से 5 डीसी वोल्ट पे चलने वाला एलईडी है। अब मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो ये एलईडी शॉर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको अभी से कनेक्ट नहीं करूँगा। इसके लिए मैंने एक बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर चार्ज कंट्रोल लाया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये किस है कि ये जो बैटरी है क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ सोलर पैनल के लिए, कि मुझे सिर्फ ये एलईडी 4 वोल्ट पे चलने वाली एलईडी है, और ये बैटरी 12 वोल्ट 5L की यानी कि 5 AH की है। तो ये डायरेक्टली 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट का एलईडी अगर लगेंगे तो 5 घंटे बैकअप देगा, ऐसा इसका मतलब होता है। तो दोस्तों मुझे इसका 12 वोल्ट निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ इससे 3 से 4 वोल्ट निकालना है ताकि मुझे ये एलईडी लाइट पूरी रात बैकअप दे सके। इसके लिए मैंने ये बैटरी जानबूझकर ये बैटरी लिया मैंने, नहीं तो दूसरी 12 वोल्ट 7H की UPS की बैटरी आती थी, लेकिन उसकी गारंटी आपने को सिर्फ कितने दिन मिलती, सिर्फ आपने को उसकी गारंटी मिलती 12 महीने 6 महीने। तो इसकी जो तो टोटली 4 साल तक उसकी वारंटी है, 48 मंथ है। तो इसलिए मैंने ये बैटरी चुना कि चलो ये सोलर चार्ज पर कंट्रोल करेंगे और उसका बैटरी का आउटपुट सिर्फ अपन 3 से 4 वोल्ट निकालेंगे। इसके लिए मैंने ये बैटरी लाया दोस्तों। अभी सोलर पैनल लाऊंगा मैं, इसे फुल चार्ज करूंगा और उसका ये एलईडी का वोल्टेज कम करके बैटरी पे अटैच करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, अभी आगे हुआ आधा प्रोसेसर बाकी इसका। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, थैंक यू।